मेरा नाम फसीह रहमान है और मैं कथक डांसर हूँ. आप मुझे देखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी. मेरे आज के मेहमान हैं फसीह रहमान, कथक डांसर हैं. मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि उन्होंने अपने दिल की बात मानी और कथक सीखा और खूब खूब सीखा. आइए मिलते हैं फसीह से. थैंक यू सो मच फसीह, आई एम सो ग्लैड यू आर हियर. इतने सालों बाद. बड़े सालों बाद, सही बात है. बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है. एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. नो, आई एम सो ग्लैड. आई एम ओवरवेल्म्ड विद एक्साइटमेंट. बताओ क्या कर रहे हो आजकल और यहाँ लाहौर में क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया सारी जिंदगी? नहीं मगर कहाँ कहाँ. आई नो मगर कहाँ कहाँ. अभी कथक क्या यहाँ पे? नहीं अभी तो आया हूँ. किसी को सिखाने आए हो या सोचा है कि काफी एकेडमी बनाओगे? काफी काफी देर मैं वहाँ रहा हूँ और अब मैंने कहा कुछ अरसा मैं यहाँ भी जाके रहूँ, रहना कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ वक्त यहाँ गुजारूँ. क्यों चले गए थे? नहीं चले उस तरह से तो नहीं गया था. आना जाना तो था लेकिन कम था. ये है लेकिन ये है कि अब जरा ऐसा प्लान है कि कुछ अरसा यहाँ रहूंगा. तो किसने बुलाया? स्टूडेंट्स ने बुलाया है? नहीं खुद ही बस मैंने मेरा दिल किया. दोस्तों कि ने कहा कि आज बहुत बहुत उदास हो गए तुम्हारे दोस्त? दोस्तों का इसमें बहुत हाथ है. हाँ. वो भी कहते हैं हम भी अकेले अकेले हैं सब, तुम आओ और हम चाहते हैं कि अब जिंदगी का ये जो हिस्सा है कम अज कम हम इकट्ठे नज़दीक नज़दीक जो है रहे. हाँ. और वक्त गुजारे तो कैसे रहे लंदन में इतने अरसा? हाँ. बगैर दोस्तों के? और नहीं वहाँ भी बना लिए दोस्त? नहीं दोस्त वहाँ तो दोस्त आपके बन ही जाते हैं लेकिन यहाँ के भी जितने मेरे दोस्त हैं वो तो वहाँ पे आते जाते रहते हैं. इतनी तो इतनी देर नहीं, रहते होमसिक नहीं हुए? हुआ था बीच में लेकिन क्या ये याद था. आता था पाकिस्तान का? क्या मिस करते थे? पाकिस्तान हर चीज़, हर चीज़, सड़कें, यहाँ के ट्रैफिक ट्रैफिक. हाँ बिल्कुल. हमारा दीवानापन बहुत कुछ, हमारी खासकर खाने. हाँ हमारी तो कोई कल दुरुस्त नहीं है ना फसी जी? हमारी तो कोई कल दुरुस्त नहीं है. हाँ बस सही बात है ना. चलो तुम्हारे बचपन से शुरू करते हैं. लेट्स गो बैक इन टाइम. हाँ. एंड यू आर थ्री ब्रदर्स और फोर, बट यू लॉस्ट वन है ना? जी जी हाँ. एंड लाहौर में पैदा हुए? लाहौर में. हाँ लाहौर में पैदाइश हुई और इकट्ठे हम लिबर्टी में, याद होगा. हाँ. आपको भी थोड़ा थोड़ा. हाँ ये वहाँ पे रहते थे मेरे वालिद और अम्मी और हम चार भाई और मेरी नानी. वो जो हैं वैसे तो वो कराची में थी लेकिन वो बहुत अरसा हमारे पास ही होती थी तो ये हम इकट्ठे सब रहते थे और वहीं से हम लोग स्कूल जाते थे. फिर सबसे छोटे हो? मैं सबसे छोटा हूँ. अच्छा. हाँ. तो फैसल कौन से नंबर? फैसल मुझसे बड़ा है. अच्छा. फिर दो बड़े भाई? फिर असद है और फिर अता जो अच्छा, सबसे हाँ, बड़ा था. हाँ, हाँ जी. ओह अच्छा. आई डिडंट नो दैट. हाँ, ओके. फैसल कीप्स दैट थिंग ना कि मैं आई एम द यंगेस्ट है ना. जहाँ माँ ने बिठा दिया वहां से हिलना ही नहीं, उस तरह का बच्चा मैं हमेशा से था. योर मदर वाज अ वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग वुमन है ना. उनका असर बहुत रहा, याद है ना सब पे. हाँ. आई फाउंड हर अ वेरी वेरी स्ट्रेट एंड वेरी ब्यूटीफुल वुमन. बहुत सादा थी वो, बहुत ही. सो और बताओ ना बचपन के बारे में, क्या खेलते थे भाई सारे मिलकर? क्या क्या कोई खास गेम्स थी विच ब्रॉट यू टुगेदर? क्रिकेट खेलते नहीं, थे? एक्चुअली मैं भाइयों के साथ इतना नहीं खेलता था. अच्छा. उन सबके अपने अपने दोस्त थे. अच्छा. और मेरा जो था, मेरी दोस्ती थी हमारे नेबर्स में थे इफ़त है ना. हाँ. वो छोटी थी मुझसे लेकिन उससे साथ मेरी बहुत दोस्ती थी. हाँ, निशा टोल्ड मी. हाँ, और हम दोनों इकट्ठे हम खेला करते थे. और क्या खेलते थे? बस कुछ नहीं, गुड़ियों से खेलते थे. उसकी भी एक गुड़िया थी, मेरी भी. या हमने वैसे खेलना, कोई जैसे बच्चे खेलते हैं अपनी कोई कहानियाँ बना के, ये हो रहा है वो हो रहा है. उस वक्त
बड़ा वो असर था ना, वो दूरदर्शन से फिल्में आती थी तो हम लोग देखते थे फिल्में और उसी तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते। तो पहले क्या शुरू किया था? गाना शुरू किया था? नहीं, गाना म्यूज़िक से दोस्ती हुई थी? नहीं, मैंने मुझे शुरू से मैंने डांस किया बचपन से। बल्कि उस वक्त मैंने कथक अभी नहीं शुरू किया था। अच्छा। लेकिन ये था कि मुझे जब रेडियो पे गाने लगते थे ना, हाँ, तो मुझे बहुत अच्छे लगते। अच्छा। तो मैंने जैसे कि नूरजहां जी के या लता जी आशा जी के गाने जो थे, जो कि उनके, देखिए मैं कभी सोचता हूँ कि वो एक बच्चे को भी जो है, मुझे तब भी इतना था कि ऐसे वैसे गाने नहीं, वही गाने जिनमें थोड़े जो सेमी क्लासिकल से होते थे वो मुझे अच्छे लगते थे। बल्कि देख, बच्चा ही था लेकिन मुझे जहन उस तरफ था। तो बस तो घर में था कोई ऐसा माहौल जिसमें क्लासिकल म्यूजिक कोई सुनता है, या अब्बू को पसंद था या अम्मी को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, सिर्फ यू लाइक इट। हाँ हाँ, और आपको बस पता ही नहीं था कि वो खींच रहा है आपको अपनी तरफ। हाँ, मुझे अच्छा लगता था। और हर जगह नेबर्स में जो है, कोई किसी की बर्थडे है तो या कोई शादी है, ये वो है, तो वो सब मुझे बुलाते थे कि चलो आओ डांस करो, और हमेशा वही क्लासिकल की तरफ। हाँ, वही उसी तरह के सेमी क्लासिकल गाने मुझे पसंद आते थे और उसी पे मैं छोटा सा था और मैं उसी तरह करता था। कौन सा गाना बार बार देखते थे? गाने एक तो होगा ना डांस किसी का, क्या वैजयंती माला पसंद थी? तो बहुत पसंद थी, लेकिन ये है कि रानी अच्छी लगती थी। हाँ, वो भी, लेकिन मेरे ख्याल में मीना कुमारी के जो थे, आई नो जमाने में आई थिंक पाकीज़ा ने बहुत इफेक्ट किया था। मुझे भी, यू नो, हाँ, वी ऑल वांटेड टू, है ना, वो बड़े अच्छे थे, बड़े उस वक्त हिट थे वो गाने, आज तक हैं खैर वो तो, लेकिन ये है कि उस वक्त बड़ा अच्छा लगता था उस पे करना, और जैसा भी जहन उस वक्त था बच्चे का जैसे होता है तो मैं करता था उस तरह से। फिर उसके बाद तो खैर शुरू हो गया, मैंने कथक। किसने कहा कि जाओ सीखो? महाराज आते थे ना वहीं पे बिल्डिंग में सिखाने, नेबर्स में। हाँ, वो बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में वो एक लड़की थी। कितनी अमेजिंग बिल्डिंग थी भाई, क्या क्या आर्टिस्ट वहाँ मौजूद थे, लोग वहाँ से, बड़े लोग निकले वहाँ से। हाँ, हाँ। तो किसको सिखाने आते थे? एक लड़की थी, उसको सिखाने आते थे। तो मुझे किसी ने कहा, और वहीं बिल्डिंग में कहा कि ये बहुत बड़े जो हैं उस्ताद हैं और ये कथक सिखाते हैं, और कथक जो है वो क्लासिकल डांस है, और पता कुछ भी नहीं था। लेकिन ये है कि गया मैं उनकी क्लास, जब घर पे ही ऐसा था माहौल, तो वो क्लास हो रही थी महाराज की, बैठे हुए थे और वो सिखा रहे थे। तो उस लड़की ने कहा कि ये भी करता है, तो महाराज ने कहा चलो खड़े हो। क्या उम्र थी? मेरे ख्याल में 8 साल का होगा। हाँ, माय गॉड, बहुत छोटा था। अच्छा, तो महाराज ने कहा खड़े हो जाओ, और मैंने वही, मेरे ख्याल में स्कूल के मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वो टाई लगाई हुई और क्या कहते हैं शॉर्ट्स और वो शर्ट पहनी हुई, और उसी के अंदर जो है मैंने शुरू किया। और वो ट्वाइस ए वीक आते थे। अच्छा। कोई 2:30-3 बजे के करीब, और स्कूल मेरा ख़त्म होता था, वहाँ स्कूल बस पे मैंने वापस आना, और वो आए होते थे और टाइम ही नहीं होता था, तो मैं बैग अपना फेंक के यूनिफॉर्म में जो है मैं चला जाता था क्लास में। और शुरू किए तो मैंने जितना भी टाइम गुजारा वो अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में टाई लगा के कथक किया मैंने। तो वो फौरन उन्होंने कहा कि शागिर्द बन जाओ या? नहीं, या मतलब बच्चे की तरह तो उन्होंने शुरू करवा दिया। अच्छा, करवा दिया। हाँ, करवा दिया उन्होंने शुरू। उनको पता नहीं क्या लगा होगा, लेकिन ये है कि उन्होंने शुरू करवा दिया। मुझे कहते थे तुम्हारे अंदर एक डांसर है। आ जाओ। बहुत बल्कि आपको करना चाहिए था। हाँ, देखिए बस वो काम ही शुरू कर लिया इसी पर। फिर एज एन एक्टर इतना मुश्किल होता है कि आप एक रियाज करें ना। रियाज तो चाहिए, क्यों, गाने में भी चाहिए और आपको कथक में भी चाहिए, और आप एक्ट्रेस हैं तो फिर ये टाइम नहीं मिलता इतना कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ें, है ना। तो फिर पहली चीज़ क्या सीखी थी?
बेसिक सीखी पहले हाँ। तो जो तत्काल होती है फुटवर्क घुंघरू का मिले थे उन्होंने आपने खुद खरीदे थे या आपको नहीं घुंघरू का शौक मुझे था हाँ। कि होने चाहिए लेकिन वो शुरू में तो नहीं इजाजत होती ना वो आपको पहले जब तक पैर पक्का ना हो जाए और आप उसको कंट्रोल ना कर सकें हाँ। तो तब तक तो उन्होंने मैंने कोई घुंघरू नहीं पहना लेकिन शायद साल बाद या दो ढाई ऐसे डेढ़ साल के बाद महाराज ने मुझे एक छोटी सी जोड़ी थी घुंघरुओं की वो उन्होंने मुझे दी पहनने के लिए और बड़ा अच्छा लगा पहन के रात भर सोए नहीं थे हाँ बिल्कुल वो पास ही पड़ी रहती थी जोड़ी और वो बस जो है फिर रियाज किया मैंने बहुत रियाज किया फिर पूरी एक कहानी थी कि एक मूवमेंट के पीछे जो है वो पूरे पूरा एक सफर है तो क्या उस वक्त ख्वाब क्या देखते थे कि क्या करोगे ख्वाब देख यही ख्वाब देखता था नहीं, कि डांसर बनूंगा और फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि कहाँ कहाँ जाऊंगा दुनिया के पूरे हर कोने में जाऊंगा अच्छा भाई वैसे मुझे ये नहीं था कि मैं दुनिया नहीं ऐसा नहीं था मुझे बस सीखना था और महाराज के पास मुझे हर वक्त मेरा दिल चाहता था मैं उनके पास बैठा रहूं हाँ। और उनसे जो है आपको तो याद है वो जो जिस तरह हम बात करते ह्यूज, थे बिग पर्सनालिटी हाँ। तो, वो तो एक तो देवकामत इंसान थे बिल्कुल तो आपका और तो क्या दिल बातें ही थी कितनी कितना उनमें बहुत खूबसूरत बहुत ही इतना उनमें स्टाइल था अदा थी ना हाँ एक एक आई थिंक कथककार में एक एक अदा चाहिए है ना जी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी उनकी और बहुत अच्छे उस्ताद थे बहुत अच्छे गुरु थे मतलब कथक के साथ मतलब उसकी जो वोकैबुलरी है उसके साथ सिखाते सिखाते दुनिया की हर चीज़ सिखाते थे वो आपको ऐसे नहीं था कि आप क्लास में जो है आए हैं और आप खड़े होके ता थे तक कर रहे हैं उसके साथ हर चीज़ बताते थे कि देखो अगर यूं करते हैं इसकी ये वजह है जिस्म पे इसका ऐसा असर होता है ज़हन पे यूं होता है ज़हन पे जब ऐसा असर होगा तो आप दूसरों से कैसे पेश आएंगे पूरी एक कहानी थी कि एक मूवमेंट के पीछे जो है वो पूरे पूरा एक सफ़र है इस तरह वो सिखाते थे और कहते थे कि बड़ा ज़रूरी है गुरु के साथ रहना और ये बड़ी सच बात है कि बड़ा ही ज़रूरी है हमेशा मिसाल देते थे कि देखो ये लोग कहते हैं शागिर्द 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 क्या होता है एक वर्ड है ना कह देते हैं जी हम शागिर्द हैं लेकिन असल क्या मतलब है शागिर्द का मुझे कहते थे महाराज जी क्या है उसका असल मतलब ये है कि देखो ये है ना ये शाह है ठीक है ये अच्छा ये शाह है और इसके गिर्द जो जा रहे मंडला रहे ना और उसके साथ है गिर्द तो ये शाह के गिर्द रहने को शाह के पास रहने को गुरु के पास रहने को शाह के गिर्द रहने को शाह गिर्द कहते हैं तो इस तरह से वो ऐसी ऐसी बातें करते थे और बड़ी अच्छी जो कि समझ में आती थी बचपन में तो उस तरह से नहीं आती थी लेकिन जब वक्त आगे बढ़ा और मुझे जो है समझ आई कि क्या होना चाहिए उनकी सारी तो, बातें जो है वो जहन में बाजगश करती होंगी ना अब तो बहुत ही जो है मैं कहता हूँ आज अब इस वक्त अगर वो होते यहाँ हमारे साथ तो एक अलग ही माहौल होता ना बिल्कुल तो अम्मी अब्बू का क्या रिएक्शन था जब कहा कि मैं तो कथक सीखूंगा नहीं उनका एक तो ये था कि ये बड़ी बात है वैसे उन्होंने मुझे मना नहीं किया क्योंकि एक लड़के का जो है डांस करना बिल्कुल, बिल्कुल। तो लड़कियों के लिए भी है जरा है लेकिन लड़के के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना तो वो जो है उन्होंने मुझे रोका नहीं मेरे ख्याल में शुरू में शायद उनका जहन ये था कि बच्चा है बच्चे का शौक है चलो करने दो कितना कर लेगा लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया जब ऐसा मतलब 15 साल या इस तरह से एज आई कि भी अब लड़कों को करना होता है ना कि ये बनना है वो बनना है तो मैंने कहा उन्होंने कहा कि भाई ठीक है करो डांस लेकिन इसके साथ तुम्हें जो है कुछ करना भी तो है ऐसे उन्होंने कहा ना मैंने कहा मैंने तो यही करना है तो कहने लगे कि देखो कि अगर इसमें
तुम ज़िंदगी गुजार सकते हो, चल सकेगी आगे ज़िंदगी। मैंने कहा मैं कर लूँगा, मुझे आप यही करने दें। तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है करो। मुश्किलात आई ज़िंदगी में? समीना मुश्किलात तो बहुत आई। हाँ, वो टीनेजर अगर आप बड़े मतलब डांस को प्रसू कर रहे हैं तो आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, इवन दे वुड लुक एट यू, बिकॉज वो एक होता है यू नो रैगिंग होती है, आप यंग एज में आपको लोग तंग करते हैं इफ यू आर डिफरेंट। बहुत तंग किया, तंग किया बहुत ज्यादा। लेकिन उसमें ये था, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एक तो मेरा फोकस बहुत था और दूसरी बात ये थी कि मेरे पास इतने बड़े उस्ताद थे कि उनके जैसे कहते हैं ना परों के नीचे रहना, इस तरह से मैं रहा उनके साथ। तो वो मुझे मतलब डर नहीं लगा ऐसे कि वो हमेशा बच्चा था, कभी कभी जहन भटक भी जाता था कि करूं या ना करूं, ऐसे हो जाता था कभी, लेकिन वो बस फौरन ठीक कर देते थे। ऐसी कौन सी बात थी जब दिल को बहुत लगी थी और बहुत दिल टूटा था कि ये कैसी बात है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस थोड़ा सा होता था लोगों का रिएक्शन, कभी शुरू में वो अच्छा नहीं समझते लोग ना कि लड़का कर रहा है और इस तरह की, उस वक्त वो ज़्यादा साहब का भी दौर था, बहुत मुश्किल दौर, बड़ा मुश्किल था। तो वो सख्तियाँ जिस तरह की थी, कितना एक परफॉर्मेंस के लिए कितना कुछ करना होता था, परफॉर्मेंस के साथ ये करो वो करो, वो सब था। और उसके बाद फिर स्टेज पे कभी ऐसी जगहें होती थी जहाँ पे शायद नहीं होना चाहिए लेकिन करना होता था, तो वो लोगों के ऐसे बातें बातों से मुझे बहुत, मैं और एज भी ऐसी थी कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। बिल्कुल। फिर क्या कहते थे वो आपको लोग, आपके गुरु, ताकि आप यू नो यू कैन कीप स्माइलिंग एंड नॉट गिव इन, ऐसे कुछ वो कोई ऐसा आपको ऐसे फील करवा देते थे, और या कि आपको बिठा लेना पास बुला के और हाथ ऐसे रखना और तसल्ली देना, और बहुत ऐसे जैसे कि कोई आप में कोई एनर्जी डाल देता है ना, ऐसे वो करके आपको मतलब मैं भूल जाता था कि ये क्या हो गया, ऐसी क्या बड़ी बात है। पहली परफॉर्मेंस कब हुई थी? पहली परफॉर्मेंस शायद किसी के घर पे हुई थी। उस वक्त घरों पे बहुत करते थे ना, होता था अपनी महफिलें जो है, आप गजल की होती थी। तो किसी के घर पे था शायद पहली परफॉर्मेंस। हाँ इसी तरह थी, मुझे याद है सुबह स्कूल भी जाना था और लेकिन मैं गया था, परफॉर्मेंस की मैंने। हाँ फिर क्या हुआ था? बड़ी खुशी हुई, और महाराज, हाँ महाराज मुझे, मैं बिल्कुल, तितलियां, हाँ मुझे बिल्कुल, मैं बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंट था और मैंने किया और पसंद किया लोगों ने, महाराज बहुत खुश हुए और महाराज ने कहा कि देखो अब तुम बहुत सीरियसली करो, सीरियस हो जाओ। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल होऊंगा। पहला इनाम क्या मिला था, याद है? इनाम कभी मिला इनाम महाराज? देखिए उस्ताद की तारीफ ही इनाम है। हाँ। मतलब मैं ये समझता हूँ, वैसे इनाम क्या इतने मिले, ये वो अवार्ड सब कुछ, लेकिन वो इनाम जो बचपन में पहली परफॉर्मेंस के बाद अम्मी ने दिया या अब्बू ने? नहीं ऐसा कुछ इनाम नहीं था। अच्छा। लेकिन ये कि महाराज का और कहना और प्यार करना और उन्हें हिम्मत देना और कहना कि अम्मी और अब्बू ने देखा परफॉर्म करते, पहला नहीं, वो नहीं। पहली परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन उसके बाद तो मेरी अम्मी तो काफ़ी मेरी परफॉर्मेंसेस देखी, बहुत, हाँ बहुत पसंद करती थी वो, पसंद करती थी। हाँ। तो कभी शाबाशी मिली अब्बू से और अब्बू ने कहा कि आई एम हैप्पी कि तुमने ये चूज़ नहीं, किया? नहीं, नहीं नहीं, डैडी ने कभी इस तरह से ऐसे नहीं कहा कि बहुत अच्छे या ये वो, लेकिन वो बस इतना नहीं, शायद उन्होंने देखा भी मुझे, लेकिन ये जितना भी देखा उन्होंने बस खुश थे, मतलब कभी कुछ ऐसे कहा नहीं कि हाँ। तो वो ख्वाहिश होती थी कि शाबाशी मिले? हाँ होती थी। क्या इम्पोर्टेंट होती है कि माँ बाप जो है वो शाबाशी दे? बहुत इम्पोर्टेंट, कुछ कसक रह जाती है अगर ना दे तो, मेरे ख्याल में। हाँ लेकिन मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़ी बात थी ना कि उन्होंने इजाजत दे दी करने की,
ये भी तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि घर में एक तूफान भी आ सकता था या कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन भी हो सकती थी, बिल्कुल है ना। देखिए घर के अलावा भी, मतलब घर वालों के अलावा भी एक्सटेंडेड फैमिली है, फैमिली है, और कभी अल्लाह का शुक्र है नहीं, बहुत अच्छा रहा सफर, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मुट्ठी में क्या बंद है जब जब अपनी ज़िंदगी आगे लेकर आए हो, तो पिछली कोई बात है जो ऐसे जैसे गिरा बांधी हुई है या मुट्ठी में है दैट कीप्स यू गोइंग? नहीं, कुछ पिछती ऐसी बात तो ऐसी कोई नहीं, लेकिन मेरा हाँ ये है कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि अब खासकर मेरी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो हूँ, जैसे महाराज ने हम लोगों को सिखाया और जिस तरीके से सिखाया, जो फॉर्मूला यूज़ किया उन्होंने कथक को सिखाते हुए कि इस ये ज़िंदगी के लिए है, ये सिर्फ स्टेज के लिए नहीं है, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस तो कथक का एक हिस्सा है, ये तो बहुत बड़ा इल्म है ना संगीत का, इसमें तो आप जो है जो चीज़ कर रहे हैं उसके साथ दुनिया की हर चीज़ सीखते हैं आप, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं और उसके साथ लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं इस पे काम शुरू से भी मैंने इसी तरह अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है कि इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ और इसको इससे सीखो। तो लोग डरते क्यों हैं अगर ये इतनी खूबसूरत चीज़ है और ये ज़िंदगी का हिस्सा है और ये एक्सप्रेशन है ज़िंदगी का, तो लोग डरते क्यों हैं सीखने से, अपने बच्चों को सिखाने से? ये कहाँ, कुछ कुछ तो जिक्र किया होगा ना कि ये कहाँ से हमारे अंदर इतना खौफ आ गया कि ये नाच नहीं सीखना और कथक तो नहीं है हमारा, या डांस हमारा नहीं है, या म्यूज़िक हमारा नहीं है? बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसके अंदर, मतलब एक तो अगर आप उस टाइम से शुरू करें, अगर मैं जब से मैंने शुरू किया अगर मैं उस वक्त से कहूँ, तो एक तो ज़रा गवर्नमेंट का भी था ऐसा कि आपको डर लगा रहता था कि कौन चाहेगा बच्चों को ये कहना कि जब हर चीज़ बैन है तो आप क्या करेंगे सीख, यू नो, कुछ भी नहीं, ना स्कूलों में होता था ना कुछ नहीं होता था, शायद वो भी थोड़ा सा एक डर था। और फिर क्या कहते हैं, कोई लोगों को, मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को ऐसा कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, ये भी एक शायद वजह है कि खासकर लड़कों के लिए तो है ना कि भाई उन्होंने जो है बड़े होके कुछ ऐसा करना है, ऐसा प्रोफेशन लेना है जो कि मर्दों के लिए ज़रूरी है। अब तो खैर बहुत फ़र्क है, अब तो सब हर चीज़ करते हैं, लेकिन शुरू में तो यूँ था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक अजीब सा खौफ है, वरना तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप जब शुरू करते हैं तो दरवाजे खुलते जाते हैं। फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है ना किसी भी चीज़ का, जब आप ध्यान देंगे ना, ध्यान लगाएंगे तो दरवाजे खुद खुलते जाते हैं आपके लिए। ध्यान लगाना ज़रूरी है कि कुछ भी हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कुछ भी आप कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाएं, गौर करें उस पर, तो गौर करेंगे तो बस फिर अल्लाह की तरफ से जो है आपको रास्ता नज़र आना शुरू हो जाएगा, आपको एक पाथ मिल जाएगा और आपको खुद फील होगा कि सब कुछ क्लियर हो रहा है और आपका एक फोकस है। तो बस ये है कि तो ये किस तरह होता है, मैंने देखा कि बहुत सारे जो डांसर्स हैं दुनिया के वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, तो ये किस तरह हो जाता है कि जब डांस सीखते सीखते आपकी लॉ भी लग जाती है? जी हाँ, ये कैसे हो जाता है? ध्यान की बात है, हर चीज़ ध्यान की बात है। आप ध्यान लगाएं और उस ध्यान के अंदर आपको सबसे पहले जो खूबसूरत चीज़ मिलती है वह खामोशी। आपको खामोशी समझ आती है कि वो जो है उस शोर के अंदर से जो आप ध्यान लगा के जा रहे हैं, तो वो जो एक साइलेंस है, वो ज़िंदगी में इंसान की पर्सनालिटी में साइलेंस होना तो बहुत ज़रूरी है ना। उस खामोशी से आपको हर चीज़ समझ आएगी, ध्यान लगेगा आपका और आइडियाज़ भी तभी आते हैं जब आप खामोश होते हैं, तभी आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं। जी, और रास्ते वही जो है, दरवाजे खुलना, रास्ते बनना। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो फिर आप कहाँ गए हो अब?
अब कहाँ हो? फिर आप एक बच्चे थे, आप सीख रहे थे पहले फिल्मी चीज़ें, आपको फिल्मी डांस आप देख रहे थे, सेमी क्लासिकल, फिर आप कथक की तरफ आए, फिर क्लासिकल की तरफ आए, फिर आपको बताया गया कि ये सारी जो बीट है तबले की, इसके भी मायने हैं, अदा के भी मायने हैं, और यू नो निरत है, भाव है ना, ये सब कुछ है, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन है, फिर करते करते कहाँ चले गए हो आप? मैं बहुत किया मैंने, लेकिन अब मैं उस मंजिल पे हूँ जहाँ पर दोबारा से मैं समझता हूँ कि जैसे एक शुरुआत होती है ना, कि वो एक 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 मंजिल से आप दूसरी मंजिल पे जाते हैं, दूसरी से तीसरी पे जाते हैं, और वो फिर एक जगह पे आ जाते हैं कि जहाँ पर शायद वो 10 जो मंजिलें हैं वो एक बन जाती हैं, तो फिर आप कुछ वो जो आगे की मंजिल है वो 12वीं मंजिल नहीं लगती, वो फिर आपको दोबारा से दूसरी मंजिल लगनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की बात है कि मैं अब दोबारा से मैं वही अपनी पुरानी चीज़ों को जब देखता हूँ और गौर करता हूँ और उनको ही जो है मैं समझता हूँ कि देखो इतना काम है, इन पे दोबारा से ध्यान दो, ज़िंदगी के इस हिस्से में उन्हीं चीज़ों को पे दोबारा से ध्यान दो, तो उन्हीं चीज़ों का रंग, उन्हीं चीज़ों की फील, हर चीज़ बदल जाएगी और नई भी लगेगी, नई लगेगी बिल्कुल। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं अभी उस मकाम पे हूँ कि मैं वही जिसे कहते हैं ना अपना पुराना वक्त वापस रिविजिट कर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वापस आने से ये हुआ कि एकदम से सब कुछ पुराना याद आ गया शायद। हाँ बिल्कुल। तो जब आदमी पीछे की तरफ मुड़ता है तो क्या अपनी गलतियां भी उसको एहसास होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था? रिग्रेट्स भी होते हैं या नहीं होते? नहीं होते हैं, रिग्रेट होते हैं, बिल्कुल होते काश हैं। मैं यूं नहीं यूं कर लेता, बिल्कुल होते हैं, और फिर आप उसको दुरुस्त कर लेते हैं ना। हाँ। जब आप जैसे मैंने कहा कि अब आप दूसरी जो मंजिल पे आए हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप वो ना करें। तो दूसरी मंजिल पे आके क्या क्या करोगे? कुछ पुराने लोगों से मिलोगे, कुछ पुरानी दोस्तियां ढूंढोगे, कुछ अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि कर भी रहा हूँ, और मेरा सबसे रापता हो रहा है, और मेरे पुराने जो थे म्यूजिशियंस वगैरह वो सारे महाराज के जानने वाले, और मेरे अपने पुराने लोग, तो बड़ा खूबसूरत नॉस्टैल्जिया बहुत बहुत। तो फिर कभी रो पड़े इस वापसी के सफर में? कभी रोए लिपट के किसी चीज को, किसी शख्स को? हाँ, अपने दोस्तों को तो बिल्कुल, जाहिर बात है उनसे तो है, लेकिन रोना भी क्या मतलब, वो तो एक अलग सी फीलिंग है, वरना इंसान को जरूरत नहीं कि कोई और हो तो फिर आप रोए। आप वैसे भी जो है जिसे कहते हैं ना खुशी का भी तो एक खुशी के भी तो आंसू होते हैं ना। बहुत खुश हुए वापस आके। पहली चीज क्या की थी लाहौर पहुंचते? पहली चीज मैंने क्या की अभी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने कुछ मैक्लोड रोड तो नहीं गए थे? बस यही कहने लगा था मैं, बिल्कुल मैं यही कहने लगा था कि पहली चीज मैंने यही की है कि मैंने जाके कुछ दोस्तों के साथ कुछ खा लिया या कुछ इस तरह की चीज। हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि आपके बचपन का जो हिस्सा है ना वो लिबर्टी मार्केट के अंदर बहुत सारे यादें हैं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी पीरू से तो पीरू मुझे लेकर गए थे गोगो कॉफी पिलाने, कि यू नो फेमस जगह है ये हमारी, और फिर टॉलेंटन मार्केट लेकर गए थे, और फिर सारी जगह जो उनके बचपन की जगह थी ना। सो यू नो लाहौरियों को तो उन्होंने अपने दरख्त भी जो है ना वो किए हुए हैं ना नोट के, ये मेरे एरिया का दरख्त है, ये मेरे बचपन में, मैं यहाँ बस्ता लेके यहाँ, आई यूज़ टू वेट फॉर माय स्कूल बस, है ना। तो लाहौरियों में ये है बहुत स्पेशल कि उनके लैंडमार्क्स हैं, है ना। अनफॉर्चुनेटली कराची एक्ट से हमारे लैंडमार्क्स काफ़ी छिन गए हैं, लेकिन अब तो बहुत आपके भी छिन गए हैं, तो अफसोस हुआ, बहुत कुछ बदल गया है ना, कितना बदल गया है। तो वो लगता ही नहीं, पहले तो जब हम लोग छोटे थे तो बिल्कुल ऐसे लगता था, ऐसे हम देखते थे एक या दो गाड़ियाँ ऐसे करके गुजर जाती थी, और फिर इतनी देर गाड़ी नहीं गुजरती थी, मतलब अब देखा कितना ऐसे, तो मोटरसाइकिल्स कितनी हो गई, बहुत। हाँ, बहुत बहुत
लिबर्टी का वक्त बहुत अच्छा गुजरा है हम लोगों का बचपन. और स्कूल कौन से थे? सेंटेंस. अच्छा, तो उसके लिए तो यू मस्ट बी गोइंग अ लॉन्ग वे. तो आप लोग बस आती थी ना स्कूल की, तो उसमें हम लोग जाते थे बैठ के सारे भाई और बच्चे और भी वहाँ से लेके डांडी साहब पहुँचते थे. तो अब क्या प्लान है? क्या क्या दिखाएंगे आप लाहौर को? क्या क्या तैयार किया? लाहौर को महाराज गुलाम हुसैन की याद दिलवाऊंगा कि एक ऐसे उस्ताद थे लाहौर के जो कि इतना. आप उनके लिए कर रहे हैं कुछ प्लान? बिल्कुल, मेरा प्लान है ट्रिब्यूट उनके लिए. बिल्कुल मेरा प्लान है करने का. तो इंशाल्लाह वो आप भी आइएगा, आके देखिएगा. ऑफ कोर्स. ऑफ आई लव कथक. आई थिंक हमारे मुल्क में फ्रेंकली बहुत अमेजिंग कथक डांसर्स हैं. आप हैं, नाई सिद्दीकी हैं, और भी बहुत हैं. और आई डोंट नो अब आपके स्टूडेंट्स में कौन इतना इतना अमेजिंग स्टूडेंट है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो कौन है, एक लड़का है या लड़की है? नहीं, लड़कियां हैं ज्यादातर. हाँ, लड़के भी हैं, बट ये है कि अब तो ऐसी कोई प्लेटफॉर्म बनेगा यहाँ पे. हाँ. तो इंशाल्लाह देखें कि कोई ऐसी परफॉर्मेंस हो जिसमें उनको बुलाया जाए और वो आए और करें. तो काफ़ी मैं सोच रहा हूँ इस पर काम हो रहा है. जो घुंघरू असल में इंस्ट्रूमेंट है, वो घुंघरू जो है एक साज है, जैसे कि कोई भी साज, बांसुरी है, जैसे कि तबला है, तबला है. कोई ऐसी चीज है जो आपकी सिक्योरिटी ब्लैंकेट है, जैसे कोई किसी की होती ना डायरी, किसी का कोई खिलौना होता है, कोई चीज जो आप साथ साथ लेके फिरते हैं और आई यू फील के हाँ ये मेरा गिद्र सिंह ही है. नहीं, मुझे ऐसे ऐसे कोई ऐसी चीज महाराज के वो घुंघरू है साथ अभी भी? नहीं नहीं, वो वाली जोड़ी तो नहीं है. Really, वो कहाँ घूम गई? नहीं, वो इतना वक्त हो गया और इतनी और घुंघरू की जो है जोड़ियाँ ले मंगवाई दिल्ली से और ये वो. तो वो जो है अच्छा एक चीज मैंने पूछनी है. जब मैंने अपने लिए घुंघरू मंगवाए थे, तो लिए थे खुद, मुझे बहुत शौक था, तो वो बहुत खूबसूरत छोटे थे, पर जब लाहौर के थे वो बहुत बड़े बड़े एंड दे वर वेरी मोटे और बहुत. ये क्यों? नहीं, वो असल में ये है कि वो जो धागे पे पिरोए हुए होते थे, वो क्लासिकल डांस के लिए होते हैं ना. जो दूसरे जो यहाँ पे आपको मिलते हैं वो उस तरह के उस नहीं होते. वो क्लासिकल के लिए नहीं है, वो वैसे ही आवाज़ निकालने के लिए है. कि मतलब एक जैसे शोर, आप जैसे बच्चे का कोई खिलौना होता है, इस तरह से है. लेकिन जो क्लासिकल डांसर्स हैं उनके घुंघरू मुख्तलिफ हैं. और उसकी ये एक और भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है समीना, मैंने हमेशा अपनी परफॉर्मेंसेस में कोशिश की है कि वो एक बस डांस डांस ही ना होता रहे, एक लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन की तरह परफॉर्मेंस होनी चाहिए. और बड़ी ज़रूरी है हमारे मुल्क में. तो ये घुंघरू की ही बात से मैं कहूँगा कि जो घुंघरू असल में इंस्ट्रूमेंट है, वो घुंघरू जो है एक साज है, जैसे कि कोई भी साज, बांसुरी है, जैसे कि सितार है, तबला है, ये वो एक इंस्ट्रूमेंट है. तो जब भी हम घुंघरू कहते हैं तो हमारे जहन में ना लोगों के ऐसा एक जेवर आ जाता है, ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट आ जाए, ऐसे समझते कोई हिस्सा है जैसे चूड़ियाँ हैं या कानों के हैं या और घुंघरू को ऐसे समझते हैं. वो नहीं है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, पाजेब नहीं है. घुंघरू पाजेब नहीं है, समझ, वो एक साज है जिसको पैर के अंदर बांध के उससे आप जो है डिफरेंट पैटर्न्स कहते हैं. जैसे तबला है, तबले की स्याही होती है, किनार होती है, ये उंगली यहाँ लगेगी, ये साउंड निकलेगी, धामा है, ये कैसे यूज़ होगा. इसी तरह घुंघरू जो है, जो पैर है उसके हिस्से हैं, हील दबाएंगे तो कैसे आवाज़ आएगी घुंघरू की, या आप टो को दबाएंगे क्या होगा, साइड करेंगे क्या होगा, फ्लैट मारेंगे तो कैसे आवाज़ आएगी, क्योंकि वो तो साज है. और फिर आपके पैर की जगहें हैं जिससे आपने उस साज को तबले की तरह, बिल्कुल जैसे तबले पे आप उंगलियां चलाते हैं, इसी तरह पैर जो है वो चलता है तो घुंघरू में से
अलग अलग तो तत्कार एक्चुअली वो है, हाँ तत्कार, हाँ तत्कार जो है वो उससे उसमें आपको सिखाया जाता है कि ये अब ये फ्लैट है ता या जो भी बोल है या धिन कैसे करना है, ये तक कैसे करना है, या जैसे मिसाल के तौर पे बोल है ता के ट धी न, तो इसको कैसे आपने ता के ट धिन कैसे उस पाँव को आपने चलाना है, और यही साउंड निकलनी चाहिए जो मैं अभी बोल रहा हूँ, वरना तो पैर तो यूं आप करते जाएंगे तो तत 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 ही होता जाएगा ना, तो कैसे कैसे पाँव से निकालेंगे ऐसे, तो ये पैटर्न्स हैं मुख्तलिफ जो कि बुज़ुर्गों के बनाए हुए हैं, और फिर आप उस पर जितना जहन आगे आपका बढ़े आप अपने खुद जो है वही ग्रामर को सामने रखते हुए, जैसे ए बी सी है या अलिफ बे है वो ग्रामर है, उससे लफ्ज बनते हैं ना, हम बनाते हैं लैंग्वेज से, इसी तरह ता थी थी तत से लफ्ज बनते हैं। तो जो कुछ सीखा है इसमें से कुछ नई चीज इजाद की कोई बनाई? बिल्कुल बनती जाती है, हाँ चीजें नई नई नए नए पैटर्न्स बनते हैं, नए नए टुकड़े बनते हैं, नई नई तिहाइयाँ बनती हैं, चीज़ें बनती जाती हैं, आप करते जाते हैं, लेकिन ग्रामर आना ज़रूरी है ना। लैंग्वेज जो है बिल्कुल जिस तरह से एक एक लैंग्वेज होती है उसी तरह वही हिसाब है। सो जब ये इतना साइंटिफिक है तो मैथमेटिकल है जी, है ना, फिर हम हमारी सोसाइटी डरती क्यों है? मैंने बिकॉज मुझे ये बहुत मुझे दिल को दुख देता है और तकलीफ देता है कि ये म्यूजिक मैथमेटिकल है और साइंटिफिक है, यू नो एक्शन रिएक्शन है और नपातुला है और उसको समझना है, सीखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर हम उससे डरते हैं और हम अपने बच्चों को ना म्यूजिक सिखाने देते हैं ना सीखने देते हैं ना हम डांस सीखने देते हैं। हमारी हमें याद है कि हम जब हम स्कूल में थे पीछे कराची में तो हमारी सुबह शुरू होती थी जिसके हमारे हम सीखते थे, यू नो जैसे फिजिकल एक्सरसाइज है तो हम डांस भी सीखते थे और फिर हम म्यूजिक सीखते थे एंड में, हम जरूर हमारे उमराव बंदू खान हमारे उस्ताद थे। तो अब मैं ये सोच और घनश्याम सिखाते थे डांस कराची में, सो आई मुझे बहुत तकलीफ होती है कि जो हमारी अब की पौध है, हमारी जनरेशन है जो यू नो 70s से लेकर अब तक हमारे जितने बच्चे हैं दे बीन डिनाइड, उनको ये म्यूजिक से भी वो नाबालिग हैं और डांस से भी, और ये और कितना आपको ये सिखाता है पोएट में भी जो कुछ है मेरे अंदर, ये वो शुरू शुरू की क्लासेस का ही है कि मेरे में एक अगर मेरे में जो उठने बैठने की तमीज़ और तहजीब है या यू नो वो वहीं से सीखी हुई है जो थोड़ा बहुत आता है काम, अगर मगर हम अपने बच्चों को ये डिनाई कर देते हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है ना कि इसको स्कूल में सिखाया जाए, जैसे मैंने अभी कहा कि स्कूल की टाइम में होना चाहिए, जैसे और क्लासेस हो रही हैं, बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, पहली क्लास उसकी मैथ्स की हो गई, दूसरी उसकी इंग्लिश की हो गई, तीसरी उसकी कथक की हो गई और चौथी क्लास उसकी उर्दू की हो गई, ऐसे इस तरह से सिखाए ना ताकि बच्चे को पता चले कि ये एक लैंग्वेज है, उसको बाद में अलग से बताते हैं तो वो ऐसे लगता है कुछ ये अलग कोई चीज़ है और ये कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, मुझे ये पहले करना है, हाँ दिल किया तो कर लूँगा। अगर बचपन से यही जहन में बच्चे की अगर हो तो अगर आर्ट सिखाएंगे तो आर्ट की फिर कदर भी बिल्कुल कदरदान भी पैदा होंगे ना। संगीत तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, आप यकीन कीजिए, क्योंकि आप ये देखें कि वही पढ़ के आप कुछ बन जाता है, कोई अपनी अपनी फील्ड में चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं ये वो, लेकिन क्या है कि दुनिया की हर चीज़ से तकलीफ़ों से गुजर के वही दरवाज़ा बंद करके तो अकेले संगीत ही सुनते हैं ना, देखिए ना एंड पे तो उसी की ज़रूरत पड़ती है, जो भी हो जाए पूरी दुनिया में आप देख लें, कहीं भी आप जाएं कि बड़े से बड़ा भी आप बन जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि जब आपने अकेले जब दिल भरेगा और जो जब आपको महसूस होगा कि अब मैं क्या करूँ, अब तो कुछ भी नहीं है, तो क्या करते हैं फिर बंद करके संगीत पे ध्यान देते हैं ना, कुछ लगा लेते हैं और कहते हैं बाप मुझे सुकून चाहिए, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई ये शुरू से क्यों नहीं शुरू किया हुआ, इस पे शुरू से क्यों नहीं ध्यान दिया हुआ,
तो बच्चों को पेंटिंग भी सिखाए और डांस भी और म्यूजिक भी और कोई इंस्ट्रूमेंट भी आना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपको आई थिंक जब बहुत ज़्यादा जिंदगी का शोर हो और परेशानियाँ हो तो अगर कोई कोई भी साज आप बजा लें तो सुकून आ जाता है, सुकून आ जाता है। हाँ यू नो, मैं जब भी उदास होती हूँ तो अगर मैं गा लूँ ना तो मैं बहुत लगता है जो गुबार सा जो है वो बिल्कुल यू नो ढल गया, हल्का हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत ही पावरफुल चीज़ है और एक इंसान की जो है मेंटल स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी रूह के लिए, आपके जहन के सुकून के लिए, आपके अपने लिए। और जबकि हमारे हम इतने फॉर्चुनेट और हैं कि खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ हमारे ये कल्चर में सदियों से है, बड़े बड़े गायक हुए हैं और लोग हुए हैं जिन्होंने खूबसूरत तरीन कथक डांस किया है, यू नो, अंग्रेजों के आने से पहले क्या क्या लोग थे, यू नो। और अब हम सोचते हैं कि ये हमारे हमारी ज़िंदगी के बिल्कुल एंड यू नो खिलाफ है, ये हमारी साथ नहीं चलता, बट ये हमारे साथ चल रहा है, हमारे अंदर है, हमारी जीन्स में है ये, बिल्कुल है ना, और हम इसके साथ क्यों। तो एक एकेडमी बना होगी अब? कोशिश तो करूँगा। अच्छा, हाँ कोशिश तो है, काफ़ी प्लान है। अच्छा। और भी एकेडमी का भी है, और लेकिन ज़्यादातर मेरा मैं यही समझता हूँ कि अगर हर स्कूलों में अगर इसको एक पूरे सब्जेक्ट की तरह अगर हम इसको किसी तरह से उसमें स्कूलों में दाखिल करें ताकि बच्चों को ये बचपन से उनको पता हो, जैसे ए बी सी डी है ऐसे ही सारे गामा पा है, ये ऐसे ही समझे ना उसको, तो फिर इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि। और वही बात है कि डांस या गाने का मतलब सीखने का मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेशनल डांसर या प्रोफेशनल गायक ही बन जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने लिए सीखते हैं और आप अपने सुकून के लिए सीखते हैं और आपकी पर्सनालिटी भी वेल राउंडेड होती है। जी, जब आप आर्ट को समझते हैं तो आपके आई थिंक वो जो वजूद में एक सॉफ्टनेस आ जाती है, है ना, एक आप एक अदा, एक एक नरमी, एक गुदाज ये आ जाता है जब आपके अंदर आर्ट आर्टिस्ट हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा आपका एंगर भी कंट्रोल करता है आर्ट, है ना, है ना, बिल्कुल। एंगर मैनेजमेंट आजकल बहुत डिस्कस हो रही है ना, क्या तो ये बेहतरीन तरीका है एंगर मैनेजमेंट का, क्योंकि ध्यान जब लगेगा एक तरफ, ध्यान लगने से तो बहुत बहुत बचाव है ना बहुत सारी चीजों का। जब आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ध्यान लगाया हुआ है, तो आप तो दुनिया की बहुत सारी चीजों से तो एग्रेशन से दूर रहेंगे, बिल्कुल वायलेंस से दूर रहेंगे। बिल्कुल सही है। जब कोई बहुत अच्छी चीज बने और कोई किसी को सुनाऊं जो कि समझने वाले लोग हैं तो और उनको पसंद आए तो उसमें बड़ी खुशी होती है। आप बचपन की कौन सी बात याद आती है जब खामोश होके बैठते हो? बचपन की बचपन ज़्यादातर तो मेरा यही, मैंने जैसे कहा कि वैसे तो खेलने में शुरू शुरू में तो भागम दौड़ और खेलने में गुजर गया, लेकिन बचपन ही में डांस शुरू हो गया था तो उस तरह से। नहीं लर्निंग, लेकिन सीख रहा था। वो टाइम बहुत तेज़ था सीखने का, दिल चाहता था रोज़ कुछ नई चीज़ सीखूँ, रोज़ एक नया टुकड़ा सीखूँ या रोज़ एक कोई नई महाराज से कोई बात सीखूँ, तो वो उस पर मेरा हमेशा ध्यान रहा। लेकिन ये था कि जब क्लास से वापसी में वॉक करते हुए बस तक या बस स्टॉप तक जाना जहाँ से बस लेनी, तो वहाँ पर मैं ध्यान लगाता था, फिर वो चलते चलते ही ना स्टेप्स जो है उस पर सोचता रहता था और पढ़ता रहता था, तो वो भी तो एक तरह का जिसे कहते हैं एक कॉन्सेंट्रेशन की बात है ना, कि आप कॉन्सेंट्रेट करें एक चीज पे। What makes you happy? Very happy. Of course, कथक। My God. Of course. जब मैं कोई नई चीज बनाऊं वही जो है बोलों को लेके कोई ऐसी चीज बन जाए, मैं महाराज के लिए बना के कोई ना कोई तिहाई कोई बोल लेके जाता था, मैं कहता था महाराज जी मैंने कोशिश की है, तो वो सुनते थे,
तो इसी तरह अभी भी कोई चीज अगर बन जाए तो कभी कहा है आपने आपको बड़ी खुशी होती है आपने आपको हाँ कहा है जब कोई बहुत अच्छी चीज बने और कोई किसी को सुनाऊं जो कि समझने वाले लोग हैं तो और उनको पसंद आए तो उसमें बड़ी खुशी होती है आपको. What makes you sad? मैं समझता हूँ जो लोग उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते कथक की या डांसेस की या किसी भी आर्टिस्ट की, ज़रूरी डांसेस नहीं, किसी भी आर्टिस्ट की नहीं करते, मेरे ख्याल में वो बहुत एक अफसोस की बात है. मुझे अफसोस होता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए. गुस्सा चढ़ता है थोड़ा बहुत, गुस्सा चढ़ता है माफ़ कर देते हो इजीली? हाँ क्योंकि खुद ही समझ आ जाएगी. हमने क्या जो है एक हद तक ही समझा सकते हैं ना इंसान किसी को. सॉरी कह लेते हो? हाँ कह लेता हूँ, बिल्कुल कह लेता हूँ. कभी कोई बहुत बड़ी गलती हुई है जिसका पछतावा है आज तक? शायद हुई हो, पता नहीं, इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, लेकिन हर इंसान से होती है तो आई एम श्योर हुई होगी कहीं ना कहीं जिंदगी में. तो क्या कब क्या किया था फिर? एहसास हुआ कि ये तो गलत हो गया तो गए तो, जाकर कुछ कहा? नहीं, उसको बस उसको ठीक किया, ठीक. हाँ, उसको ठीक करने की कोशिश इंसान करता है तो, और मान लेना चाहिए जब कभी कोई गलती हो तो मान लेना चाहिए उसको खुद सबसे पहले तो, कि नहीं तो फिर आप उस पर वर्क करें कि अगली दफा ऐसे ना हो. तो ये जरूरी इगोइस्टिकल हो अना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एक डांसर में ये आप जब कुछ कर रहे हैं ना, इसमें ही बातें कहाँ हैं. यही ये फन आपको यही तो सिखाता है कि आपने जो है ये चीजें अपनी जात की नफी करनी. ये चीजें कोई माने नहीं रखती. इससे आगे बढ़ के इंसान को सोचना चाहिए. ये फन यही चीजें तो सिखाता है आपको. ध्यान इस पे होना चाहिए. तो शुक्र है अल्लाह का. I'm so glad. I can feel it. You know, I can feel कि आप एक और क्या कहना चाहिए, पड़ाव में हैं, है ना? You are on another level, and I can actually feel it. So जब ये इस तरह गुरु की तरह हो जाता है इंसान, हाँ, फिर कैसा महसूस होता है? नहीं समीना, गुरु तो नहीं ऐसे समझता मैं, ऐसी बात नहीं कि वो तो ये है कि हाँ ये है कि आप थोड़े से एक्सपीरियंस. ऐसा महसूस होता है कि the more you know, the less you know. हाँ, है ना, कुछ ऐसा हो जाता है. बिल्कुल होता है, जाहिर बात है. लेकिन वो जो कहते हैं उस्ताद और वो वाली चीजें मैं नहीं समझता. ऐसी नहीं बात, बस आप तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है. बस ये है बात. और आप जरा और तरह से सोचते हैं, ध्यान देते हैं, और खासकर जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए आप सोचते हैं कि उनको जो है भटके ना. जैसे हमें हमारे उस्ताद ने हमें एक कोशिश की कि हम एक पाथ पे रहें और अपना ध्यान लगा के रखें. कैसे उन्होंने कोशिश की, कैसे हमारे जहन को इधर उधर नहीं होने दिया, और उसका बहुत बहुत फ़ायदा है आज. इसी तरह मैं समझता हूँ कि कोशिश करता हूँ मैं कि जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसी तरह से ध्यान दें और बच के रहें बाकी की चीज़ों से जो कि दुनिया में हैं. सक्सेस क्या है? सक्सेस जो आप ज़िंदगी में करना चाहें और उसमें आप खुश हों, आप वो करके आपको खुशी मिले, वो है सक्सेस. और नाकामी? नाकामी जो ना कर सके वही. जो कि आपको शौक हो एक चीज़ का लेकिन कर आप कुछ और रहे हैं मजबूरी के तहत, लेकिन उसमें कामयाब बहुत है. मैं तो सब उसको नाकामी समझता हूँ. क्योंकि आपको अगर सुकून नहीं है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना उस चीज़ का. अवार्ड्स कितना मैटर करते हैं एक आर्टिस्ट के लिए? अवार्ड? हाँ, मतलब कोई, मैं तो नहीं समझता कि कोई इतना मैटर करते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, अगर कोई आपको इज्जत मिले, आपको कोई लोग इज्जत दे रहे हैं और आपको एक अच्छा आर्टिस्ट समझते हैं, तो हाँ, वो तो अच्छी इज्जत की बात है, खुशी की बात है. अवार्ड्स अच्छे होते हैं?
क्योंकि उस तरह से लेना तो नहीं मुझे अच्छा लगता, लेकिन ये सोसाइटी सोसाइटी हमारी आई थिंक बहुत कंजूस है, मुझे ये ऐसा महसूस होता है कि बहुत कंजूस है किसी को उसका 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 मकाम देने में, उसको अवार्ड करने में या उसकी पजीराई करने में थोड़ा सा हाथ खींच लेते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैंने देखा है ये, क्योंकि आई थिंक ज़रूरी है कि है ना, पजीराई बहुत ज़रूरी है, दिल जैसे कहते हैं दिल बड़ा होता है, ढेरों खून बढ़ता है ना। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो फनकार हैं उनको अवार्ड देने से बेहतर है कि उनके लिए कुछ रास्ते खोलें, उनको कुछ, वही उनका अवार्ड है कि मतलब अगर आप उनको इज्जत दे रहे हैं और एक मकाम दे रहे हैं तो उनके लिए कुछ करें। मतलब ऐसे इतने इतने अच्छे हमारे गाने वाले बड़े बड़े उस्ताद गुजर गए और ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब उनके लिए अवार्ड उनको बस मिल गए, ठीक है, घर में उन्होंने रख दिए जाके कहीं पे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि उनके लिए आगे, लेकिन उनका जो आर्ट है वो आगे कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? हाँ, ये अवार्ड होना चाहिए, ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं भी ये समझती हूँ कि अगर हम चाहेंगे, क्योंकि जो भी हम बन गए वो तो हमने अपनी हिम्मत थी, इंडिविजुअल या अच्छे गुरु मिल गए, अच्छे उस्ताद मिल गए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल गई, लेकिन जो हमने जिंदगी से सीखा, अपने काम से सीखा, वो अब आगे भी तो जाना चाहिए। उसमें फिर आई थिंक स्टेट का रोल प्ले होता है ना। उनका तो बिल्कुल होता है, लेकिन उनके अलावा भी जो लोग साहिब इख्तियार हैं जो कर सकते हैं, उनका भी जो है यू नो उनको करना चाहिए। मैं समझता हूँ ज़रूरी है सब फनकारों के लिए, खासकर पाकिस्तान में तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और हमें इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत भी है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस बने जिसमें लोग जाएँ और जाकर आर्ट सीखें, बाकायदा तौर पर सीखें, सिर्फ ये नहीं कि अब जो लोग खुशकिस्मत हैं, सिर्फ वो ही नहीं लेकिन वो भी जो चाहते हैं, जिनके दिल में एक ख्वाहिश है यू नो टू लर्न, वो भी पहुंच सके वहाँ तक, मैं समझती हूँ। और हमारे दूर दराज इलाकों में जैसे NCA बना तो अब आए हैं ना लोग, आपके बलूचिस्तान से लोग, ऐसे ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सिंध से हैं, हमारे नॉर्दर्न एरिया से आए हैं बच्चे, और क्या क्या अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो वो जगह बनी तो वो आए ना। तो मैं समझती हूँ, यू आर राइट कि नो एक मेनी मेनी अकेडमीज के जो वो सिखा, जैसे यू आर राइट एंड यू नो होना चाहिए ऐसा। जिंदगी क्या है, काफी उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा वक्त आए कि इंशाल्लाह नहीं है, हम ये बात ही ना करें कि भाई क्यों जो है संगीत को या डांस को क्यों नहीं वो मिलता, ये तो सवाल मैं कहता हूँ कि अब होना ही नहीं चाहिए ना, आगे की बात होनी चाहिए कि अब ये हो रहा है, अब ये होना, अब ये करेंगे और ऐसे होता है हमारे अब मैं कहता हूँ इस पर बात होनी चाहिए कि ये तो होगी 40 साल से इस पर बात हो रही है ना कि देखो हमें ये नहीं, क्यों नहीं लोग पसंद करते, क्या है, अब तो ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, यकीन करें कितना मैंने जवाब दिया होगा इस बात का, सोचें। तो अब ये है कि अब आगे का बात होनी चाहिए, ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे चीज़ें कुछ ऐसी सिचुएशन बने कि अल्लाह करे जो भी जितने फनकार हैं वो आगे की बात करें कि और क्या हो रहा है, 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हो गए, ताकि कोई इंस्ट्रूमेंट ना मरे और कोई सुर ना गायब हो जाए, कोई संगीत जो है वो ओझल ना हो जाए, जो जो हमारे बड़ों ने अब सीख सीख के यहाँ पहुँचाया है वो आगे अगली नस्ल को पहुँचे, आगे तक जाए, हमारा फर्ज है हम सबका कि उसको आगे लेके जाए। अच्छा, जिंदगी क्या है? जिंदगी बड़ी खूबसूरत चीज है अगर आप उसको अपने तरीके से गुजारें, मजबूरी से ना गुजारें, ये नहीं कि भाई ये करना पड़ेगा, करना चाहिए, ऐसे नहीं, जो जिस तरह से आप महसूस करते हैं, हाँ ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ सही है, ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका जो आप ज़िंदगी जैसे गुजारना चाहते हैं, हाँ ये सही चीज़ है, उसी तरह गुजारें जो आप महसूस करते हैं, कोई परवाह ना करें किसी की, वो सही जिंदगी। हाँ, ये ना करें कि दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में, ये ना हो, है ना? हाँ, अपने जो आप समझते हैं और जो जो आपके दिल चाहता है
उस तरह से सही तरीके से गुजारें, खूबसूरत तरीके से, वही ज़िंदगी है बस। कभी सोचते हो कि जो इतने ज्ञानी ध्यानी लोग, इतने ज़बरदस्त मुशाक अपने काम के उस्ताद, और वो एकदम से गायब हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं, मौत उन्हें ले जाती है, कभी सोचते हो ये मौत क्या चीज़ है? मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोग तो कभी भी नहीं जाते हैं, यकीन कीजिए। महाराज की बात अगर मैं करूँ तो उनका क्या चीज़ उनकी गई, हाँ वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये है कि बाकी तो सब कुछ है उनका। उनके शागिर्द हैं जो कि कथक को बहुत अच्छे तरीके से और क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने अपने उस्ताद से सीखा, हम सब ने, हम उसको उसी तरीके से जो है करते हैं और उसको इज्जत दिलवाते हैं जो कि उसका हक है। और तो मैं तो समझता हूँ कि वो तो गए ही नहीं, वो तो बिल्कुल हैं। देखें उन्हीं की बातें हो रही हैं, आपने भी उनकी बातें की, और जो है अब इसके बाद भी हम वही जहन में चलता रहेगा, तो वो तो है बिल्कुल। और जब तक आगे बच्चे और आ रहे हैं वो तो हमेशा वही। लेकिन मौत है क्या? मौत है क्या? मौत हाँ, एक सफर खत्म हो जाता है और दूसरा सफर शुरू हो जाता है, यही है मौत। एक जो एक टाइम है वो खत्म होके आप दूसरे उसमें टाइम में चले जाते हैं, तो उसको आप मौत कह लें, उसको आप कुछ ख़त्म होना कह लें, या आप उसको कुछ शुरू होना कह लें। मौत एक शुरुआत भी तो हो सकती है ना, हम क्यों सोचते हैं कि मौत एक एंड है, मौत एक शुरुआत भी तो है ना। तो इस तरह से Thank you so much. बहुत अच्छा लगा, and I hope के academy बने, studio बने, और if I can be of any help, I will always be there. जरूर। I'm so excited. Thank you very much. Thank you so much.